तो दोस्तों ये जोशी मटकी है। हम तो ये जोशी मट वाली है। हेलो दोस्तों, मेरे नाम है प्रिंसी जिंकवाल। ये तबा ये मोर्ची है, हम नानी गांव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल नितू नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आजकल दोस्तों थोड़ा ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, मतलब डेली नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ दो छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। तो जो मतलब मेरी दीदी आ रखी है आजकल यहाँ, तो दीदी मतलब मेरी ताई जी की बेटी है, तो उनके दो छोटे बच्चे हैं, तो आजकल वो यहाँ आ रखे हैं तो उनते हैं, तो हम भी उनके साथ आजकल बिजी रहते हैं, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा ब्लॉग बनाने का। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ वो दो छोटे बच्चे। तो और आपको पीछे थोड़ा बहुत धुंधला सा लग रहा होगा, क्योंकि मतलब इधर के साइड आग लगी थी आजकल जंगल में, तो अभी तो आग बुझ गई, मतलब जंगलात वालों ने आग बुझा दी होगी, पर अभी मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, इसलिए पीछे साफ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं आपको प्रिंसी और वेदांत से मिलाती हूँ, तो चलो। हेलो दोस्तों, मेरे नाम है प्रिंसी जिंकवाल। आज आपको है ये मेरी नानी घर है। ये तब ये मोर्ची है, हम नानी गांव है। और तब से हम यहाँ पर ये है, यहाँ पे जंगल भी लगा है। मैं घर भी आती हूँ, दुकान भी जाता हूँ। तो दोस्तों ये है प्रिंसी और इसका असली नाम है वैष्णवी झिंकवाण। तो ये जोशीमठ के निवासी हैं, है ना? कहाँ से तुम? जोशीमठ। तो ये जोशीमठ के निवासी हैं। और तो दोस्तों ये जोशीमठ की है और इसकी गढ़वाली लैंग्वेज बहुत प्यारी है। भले ये अभी नहीं बोल रही है, पर जब ये गढ़वाली में बात करती है तो बहुत अच्छी लैंग्वेज इसकी है। मैं इसे बोल रही प्रिंस गढ़वाली में बोलो तो वाली में। ये हम तो ये वाली है। तो दोस्तों ये है दीदी यानी कि वैष्णवी की मम्मी। तो ये आजकल यहाँ आ गए हैं। दीदी हाय। हाय। तो ये है और एक ये है बदमाश। दोस्तों ये है वेदांश जी। मौसी तो दोस्तों आज चाची घर आई थी, कल आ गई थी चाची, और आज और कल में चाची ने गोबर ढाला और चाची अभी तैयार हो रही है, तो अब पोखरी जा रही है, तो देर भी हो रही है और ये यहाँ पे चाय पी रही है। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ गौशाला, क्योंकि इधर साइड की ये पूरी धूप चलेगी और वो उस पीछे साइड रह गई धूप, तो यहाँ पे अभी ठंडा हो रहा है, तो इसलिए मैं इनको अंदर बांध देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तो चलो। तो दोस्तों मुझे आपसे जोशीमठ के बारे में कुछ बातें करनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि जोशीमठ आजकल मतलब न्यूज़ में है, हर जगह न्यूज़ में जोशीमठ ही है। तो जोशीमठ में बहुत कुछ हो रहा है, तो मतलब जोशीमठ के लोग सब बहुत परेशान हैं, और मतलब हमको भी इस बात का दुख है, क्योंकि हमारा नज़दीकी इलाका है और अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई मतलब सोच ही नहीं सकता कि मतलब मैं अपना घर छोड़ूं, और अचानक से ऐसे अपने घर को छोड़ना बहुत बड़ी बात है। सब लोग बहुत परेशान हैं, खुद ये मेरी दीदी लोगों का ससुराल वहीं है, तो ये लोग भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि मतलब इनका ससुराल वहीं है, ये वहीं रहते हैं, तो मतलब सारा एरिया एक ही है। तो मतलब मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आजकल आपको पता होगा कि सोशल मीडिया में बहुत पावर होती है, तो मतलब उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, इस बारे में जरूर चर्चा करें। और शासन प्रशासन से हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी लोगों के सुरक्षित रहने की व्यवस्था की जाए, लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए, उनका मतलब सही रहने खाने का जो भी है मतलब अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो हाय बोला, हाय करो, हाय बंसु, हाय करो, हेलो मम्मी, हाय करो। तो दोस्तों ये खुद को और दीदी को यहाँ देख रहा है कैमरे में, तो इसलिए बोल रहा है मेरी मम्मी वहाँ। हाय मोची, बोल। हाय मोची, हाय मोची, हाय मोची, बंसु काकच पाजी छे कुछ यू पाजी बंसे आला आला पापा कहजो पापा, पापा को आज पापा को आज
जोसमठ काकचल जोसमठ। तो दोस्तों मैं आ रही हूँ घास के लिए यहाँ पे, और मैं अभी यहाँ पे साक्षी के लिए रुकी हूँ। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नीतू नेगी ब्लॉग के साथ। बाय।